मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत गांव महू में एक पीड़ित परिवार गरीब परिवार पर कुछ दबंगों द्वारा पहले जानलेवा हमला किया गया, फिर उसी परिवार को एक छेड़छाड़ के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। और ये मामला 5 तारीख को बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर, यानी कि एक पहले गरीब परिवार के लड़के पर दबंगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, फिर एक लेडीज जिसकी उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है उसको महिला थाना नुहू में ले जाकर उसी परिवार के दो लड़कों के खिलाफ एक झूठा षड्यंत्र रचवा दिया गया। तो हमारे साथ है वो पीड़ित परिवार, ये हमें संपूर्ण मामले की जानकारी देंगे। आखिर क्या था मामला और क्यों दिया गया इस मामले को इतना बड़ा धूल, आखिर पुलिस की कार्यशैली पर भी पीड़ित परिवार के DSP महिला नुहू ममता खरब से भी 2 बार लगभग मुलाकात कर चुका है, और यानी कि बार बार पुलिस प्रशासन से झूठे मामले को रद्द करने की गुहार लगाता नजर आ रहा है। जी क्या नाम आपका? क्या काम करते हो आप? मेरे गांव में दुकान की मेडिकल। अच्छा, मामला ये है कि मैं एक दिन गांव के रास्ते से बाहर जा रहा था, तो किसी ने बुलाया था मुझे, तो वहां जाकर मैं जैसे रास्ते से गया तो वहां कुछ लोग दबंग टाइप के जो गांव के लोग हैं तो वहां पहले से ही बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, मुझे देखते हुए पहले से ही कोई रंजिश चली आ रही थी उनकी, वो रंजिश ये थी कि मैंने उनको जो मेरा लाइसेंस था वो किराए पे दे रखा था, मेडिकल का लाइसेंस किराए पे दे रखा था। तो मैंने उनसे कहा कि इस पे कोई भी नशीली दवा नहीं बेची जाएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेचेंगे। फिर बाद में मुझे पता चला कि यह नशीली दवा बेच रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरा लाइसेंस दे दो या नशीली दवा बेचना बंद कर दो। ठीक है, उन्होंने कहा कि ना तो तेरा लाइसेंस देंगे और अगर तूने किसी को बताया तो जांच। कितने तारीख की घटना है ये? घटना है जी समथिंग 3 तारीख की है, 3 तारीख का मामला है जो जिस दिन मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा, और 5 तारीख को उन्होंने जिस दिन आप पर उन्होंने, आप बता रहे हो कि भाई कौन कौन लोग आए थे, किन किन ने हमला किया, कहाँ की बात है? हमला ये है 5 तारीख का, जब मैंने 3 तारीख से उनसे बात हुई थी मेरी इस मामले में, तो उन्होंने कहा था कि अगर तूने किसी को बताया तुझे जान से मार देंगे। तो मैं रास्ते से जा रहा था, उन्होंने 5 तारीख की घटना में मुझे घेरा, फिर घेर के 4-5 लोगों ने डंडे हाथ में लिए, गिर पत्थर लिए हुए मुझे मारा, बेहोशी की हालत में पटक गए। वहाँ से मेरे परिवार वाले मुझे लाए, वहाँ से लाने के बावजूद फिर उन्होंने ये भी किया था कि मेरा पर्स था और मोबाइल था वो भी छीन लिया कि ये किसी को बता ना पाए। वहाँ पड़े मुझे जंगल में छोड़ गए, फिर मेरे परिवार वाले वहाँ गए, मुझे लाए उठा के, फिर सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा मुझे ले जाएगा, वहाँ मेरी MLR कटी है जो कि मामला मारपीट का और लूटपाट का वो दर्ज है 5 तारीख को फिरोजपुर थाने में। उसके बावजूद बाद में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच कर मेरे खिलाफ नुहू महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है और 354 का धारा लगाई गई है। अच्छा, किन कितने लोगों के खिलाफ नुहू महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ? ये मैं गया था मेरी एक बहन की लड़की थी जब उस टाइम 5 तारीख को मेरे साथ में, मगर उसके बाद जो मामले में 2 लोगों का नाम दर्ज किया गया, एक मेरा भाई है और एक मैं। अब आप लोग क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ जी जो 354 की धारा वो हटाई दी जाए, क्योंकि वो नाजायज है हमारे खिलाफ सरासर, क्योंकि 5 तारीख को हमारा मामला दर्ज हुआ है थाने में फिरोजपुर झिरका में। 5 तारीख को आपने एक फिरोजपुर झिरका थाने में जो मामला दर्ज कराया, तो उसमें अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस के पास कई बार हम जा चुके हैं, पुलिस ये हमें देती है कि इनको हम पकड़ लेंगे या कार्रवाई करेंगे, ऐसा वो दे देती है। अभी हम बात कर रहे थे उस पीड़ित व्यक्ति से जो 5 मार्च को इस घटना का शिकार हुए थे, और अन्य ग्रामीण भी इसी बात पर हमारे साथ हैं और आगे ये भी इस मामले की संपूर्ण तरीके से आखिरकार जानकारी देंगे कि मामला क्या था, किस बात को लेकर ये कोई पुरानी रंजिश चली आ रही थी जिसके कारण एक गरीब परिवार पर पहले जानलेवा हमला किया जाता है, फिर उसी परिवार के पढ़े लिखे 2 बच्चों को बड़े षड्यंत्र के साथ एक झूठे छेड़छाड़ के मामले में फंसा दिया जाता है। वो पीड़ित पिता भी जिसके बेटों पर जो मामला दर्ज हुआ वो हमारे साथ इसी मामले पर हैं, और ये संपूर्ण मामले की जानकारी देंगे, कितने तारीख की घटना थी, किस बात को लेकर ये विवाद चला आ रहा था, आखिर दबंगों ने किस तरीके से एक झूठे परिवार को एक छेड़छाड़ के झूठे जालसाज मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई है, और हालांकि नुहू थाना महिला पुलिस ने इस पर मामला भी दर्ज कर लिया है। पीड़ित पिता कई कई बार DSP नुहू से
अपने बेटों पर दर्ज हुआ एक झूठे मुकदमे की रद्द करने की बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद। तो आस मोहम्मद, जो आपके लड़के पर ये मामला दर्ज हुआ है, ये झूठा हुआ है बिल्कुल सरासर, इसमें कोई सरासर झूठा है ना। पुलिस हमारी कार्रवाई कर रही है जी, और हम बार बार महिला थाना में गए हैं जी, हमसे और धमकार और ताड़ देती है, ये कहते हैं रुकने में जब हो जाएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। हम बार बार गए हैं जी और हमारी कोई सुनाई नहीं करी। हम गरीब परिवार से हैं, मैंने किस कैसे अपने बच्चे पढ़ाए हैं मेहनत से मन उदी से, और इसमें हमारी कोई सुनाई नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जी तो प्लीज़ हमारी कार्रवाई करे और हमारे जो बच्चों पर जो मुकदमा दर्ज किया है इसको कैंसिल करे जाए। बार बार पीड़ित परिवार मेवात पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल या निशान खड़े कर रहा है कि कोई भी आदमी किसी भी छेड़छाड़ की अगर शिकायत को लेकर जाता है, बेहिचक पुलिस उस पर मुकदमा बिना जांच किए दर्ज कर देती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। आज इसी लापरवाही, पुलिस की लापरवाही कहें या कुछ भी, कार्यशैली पर सवाल या निशान जो पीड़ित परिवार खड़े कर रहा है कि एक जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो गांव में आर्टी पार्टी बाजी की वजह से पता नहीं वो सीधे यानी कि आरोपी यानी दबंग किस्म के कुछ लोग या विरोधी किस्म के कुछ लोग सीधा पुलिस के पास में किसी भी छेड़छाड़ की एक झूठी सी शिकायत लेकर जाते हैं। तो एक पढ़े लिखे जैसे महू गांव की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, दो बच्चों को फंसा दिया गया, हालांकि और अब देखना ये है कि आखिर मेवात पुलिस प्रशासन अपनी गहरी हुई नींद में इस मामले को यानी कि कब सोकर उठता है और इस मामले की सच्चाई से गहनता से अगर जाँच करी जाए, और जाँच में अगर ये दोषी पाए जाए तो ये परिवार का भी ये कहना है कि अगर हम दोषी हैं मामले की पुलिस सच्चाई से निष्पक्ष जांच करे तो वो इस भी मामले में सजा भुगत